हेलो गुड इवनिंग गाइस। सो फिर से हम एक नए टीडीएम के साथ एक वापस आए हैं। तो इधर टीम ब्लू में है सिद्धार्थ भाई, मृत्युंजय भाई, स्पर्श भाई और पीयूष भाई, और टीम रेड में है आपके सोल रितिक, हर्ष ठाकुर, आकाश, दीपांशु। और ये पहला देखते हुए हम लोग पहला किल ले लिया है किसी ने, पहला किल स्पर्श भाई ने लिया नेट से। बहुत बढ़िया खेलते हुए यहाँ पर और ये मैच एक तरफा लग रहा है, जैसे ब्लू टीम के साथ है और रेड टीम के सिर्फ दो हैं। आप जैसे देख रहे हैं, बट अब रेड टीम के तीन हो गए हैं, ब्लू टीम के सेवन है स्कोर। जैसे पीयूष ने तीन लोगों को किल कराया अभी तक, सिद्धार्थ भाई ने दो को, स्पर्श ने दो को, मृत्युंजय भाई ने अभी तक खाता भी नहीं खोला है अपना। वैसे ही अगर आकाश की टीम में देखा जाए, रेड टीम में देखा जाए, तो आकाश ने दो किल करे हैं, हर्ष ने तीन किल करे हैं, दीपांशु भाई ने एक किल करा है और ऋतिक ने खाता भी नहीं खोला है। बहुत ही ज़्यादा रोमांचक मोड पे मैच चल रहा है ये, लाइक ये लग रहा है लास्ट मैच की तरह ये भी ब्लू टीम ही जीतेगी। रेड टीम शायद लग रहा है नहीं जीत पाएगा कोई। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, सिद्धार्थ भाई ने फिर से रेड टीम को, ऋतिक को ऊपर चढ़ा हुआ था, मार दिया और दीपांशु को फिर से सिद्धार्थ भाई लगा एक स्प्रे में दो को लेके जा रहे हैं। सिद्धार्थ भाई बहुत बढ़िया खेलता हुआ यहाँ पे, लाइक लग रहा है कि हाँ भाई कोई मैच हो रहा है। और सिद्धार्थ भाई ऋतिक को स्पॉट हो गए हैं, मैं देख रहा हूँ। और आकाश भी आज थोड़ा बढ़िया नहीं खेल पा रहा, आकाश पे चार किल हैं, अपनी टीम से बढ़िया खेल रहा है वो। बट सामने वाली टीम में अगर देखा जाए तो सिद्धार्थ भाई के पाँच हैं, पीयूष भाई के पाँच हैं, स्पर्श भाई के पाँच हैं, मृत्युंजय भाई का एक है। वैसे ही अगर रेड टीम में देखा जाए तो हर्ष के चार, दीपांशु के दो, ऋतिक का खाता भी नहीं खुला है, बट ऋतिक बार बार आगे जाकर मर जा रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ। और यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, बहुत ही बड़े तरीके से आकाश ने लिया, बट आकाश को पीयूष ने मार दिया आगे। पीयूष ग्रोजा यूज़ कर रहा है, आकाश M4 यूज़ कर रहा है। बहुत बढ़िया प्ले होता हुआ गेम का, बहुत ही बढ़िया मैच हो रहा है। जैसे मुझे लग रहा है कि अब तो ये ब्लू टीम ही मैच जीते, क्योंकि रेड टीम के पास कोई भाई नहीं, अब साधन ही नहीं है। बिकॉज दीपांशु ने तीन किल लिए हैं, हर्ष अच्छा खेल रहा है, छः किल हैं दीपांशु के पास, तीन किल हैं आकाश के पास, छः किल हैं। और ऋतिक ने अभी तक खाता खोल लिया, पहला खाता खोला ऋतिक ने, बहुत बढ़िया, बट वो जाते ही मर गए। वैसे अगर मृत्युंजय भाई का इधर देखा जाए तो मृत्युंजय भाई पर पाँच किल हैं इधर, सिद्धार्थ भाई पर दस किल हैं, 11 किल हो गए अब, स्पर्श भाई पर सात हैं और पीयूष पे 9 है। बहुत बढ़िया खेलते हुए 32/18 का स्कोर, मतलब हाफ 50-50 स्कोर चल रहा है। तो जैसा देखा जाए कि इस बार भी ब्लू टीम बहुत ज़्यादा हावी हुई है रेड टीम पे, क्योंकि रेड टीम का आज पता नहीं दिन ख़राब है या क्या है। और मृत्युंजय भाई ने 2x लगा रखा है अपने M4 पे और स्प्रे देता हुआ, बट यहाँ पे लगता है दीपांशु थोड़ा कॉर्नर से आके ले जाएगा। ओ दीपांशु को मार दिया, बहुत हार्ड खेलते हुए मृत्युंजय भाई। जैसे कि स्पर्श भाई का स्कोर देखा जाए तो स्पर्श भाई के 7 किल हैं, बहुत बढ़िया खेलते हुए स्पर्श भाई। बट अगर सामने टीम की बात करी जाए तो सामने टीम में, रेड टीम में आपका कोई भी अच्छा आज खेलते हुए नहीं दिख रहा, क्योंकि सिर्फ 8 किल आपके हर्ष के हैं, 7 किल आकाश के हैं, 3 किल दीपांशु के, 3 किल ऋतिक के, बट इन लोगों ने अपनी डेथ बहुत ज़्यादा दी है। और यहाँ पे ब्लू टीम जीतते हुए, सो द स्कोर इज़ लाइक 14 किल बाय सिद्धार्थ भाई, 7 की KD, बहुत हार्ड। मिस्टर आई ठाकुर 11 किल 1.6 की KD, स्पर्श भाई 8 किल 1.2 की KD, मृत्युंजय भाई 7 किल 1.4 की KD। वही सामने अगर देखा जाए तो मिस्टर आकाश 7 किल 0.8 की KD, बहुत बेकार KD, क्योंकि ये लोग ज़्यादा मारे हैं। हर्ष ठाकुर 8 किल 0.9 की KD, सोल ऋतिक 3 0.3 की KD, मतलब इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मर मर के अपनी टीम को लॉस में पहुंचाया। वैसे दीपांशु का 3 किल 0.3 की KD। सो ये अभी मैच ख़त्म होता है, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और कोई भी बात करनी हो किसी को भी रिलेटेड टू TDM, वेयर हाउस एंड एनीथिंग, सो हमारा चैनल है यूट्यूब पे, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है महाकाल बाबा गेमिंग। और जैसे कि हमारा इंस्टाग्राम वगैरह पे भी आप हमारे हैंडल्स पर किसी भी लीडर से बात कर सकते हैं। हर्ष ठाकुर का अकाउंट है, पारस सक्सेना जैसे मैं हूँ, मेरा भी इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्ट।